मार्च से लगे लॉकडाउन के बाद अनलॉक वन में मंदिरों को खोलने की इजाजत दी गई है। इसके बाद 76वें दिन मथुरा का द्वारकाधीश मंदिर खोला गया। कोरोना जैसी महामारी के चलते पूरे देश और दुनिया में मचे हाहाकार के बाद में हुए लॉकडाउन के बाद मंदिर प्रशासन ने जहां मंदिर बंद करने का फैसला लिया, वहीं अनलॉक वन में मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर सहित जन्मस्थान मंदिर को खोला गया। इस मंदिर खोलने की ब्रजवासियों की पुरानी काफी लंबे समय मांग चली आ रही थी, वहीं ब्रज के कुछ मंदिर जो अभी तक नहीं खोले गए उनको लेकर भी प्रशासन की जदोजहद चल रही है। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर चौक राजाधिराज मथुरा के प्रसिद्ध और फेमस विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, आज वहाँ उनको खोला गया है। जहाँ स्थानीय लोगों का भक्तों का दर्शन करने के लिए अपने आराध्य को पाने के लिए तांता लगा। वही मेरे साथ में द्वारकाधीश मंदिर के जो मीडिया प्रभारी राकेश बाबू तिवारी जी, उनसे जानूंगा कि किस तरह की मंदिर व्यवस्था की गई है और जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको किस तरह दर्शन कराया और इस मंदिर में कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए कई यात्रा बरते गए। देखिए, स्वागत है आपका। इस महामारी में जो 77 दिन तक ठाकुर जी दर्शन बंद रहे उसमें केंद्र सरकार की गाइडलाइन, राज्य सरकार की गाइडलाइन और जिला प्रशासन की गाइडलाइन हमें 7 तारीख को प्राप्त हुई। उसके बाद हमारे मंदिर के जो गोस्वामी हैं ब्रजेश कुमार जी महाराज और बागीश कुमार जी महाराज, उनसे परामर्श के बाद उन गाइडलाइनों का अनुपालन करते हुए आज हमने द्वारकाधीश जो सबके आराध्य हैं उनके दर्शन खोले। गेट पर सर्वप्रथम हमने एक सूचना पट लगाया कि भाई इसमें 65 साल से ऊपर के व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है, गर्भवती महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का प्रवेश वर्जित है। और गेट पर ही हमने सबसे पहले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग कराई, उसके बाद सैनिटाइज कराया, उसके बाद मंदिर के अंदर सर्किल बनाकर लोगों को कतारबद्ध करते हुए एक गेट से प्रवेश दिया और एक गेट से उनको निकाला। कैमरामैन मनोहर साथ मोहन श्याम शर्मा, भारत समाचार, मथुरा।